कानपुर में खाटमपुर क्षेत्र के भीतर गांव में बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि भीतर गांव में भदनीवा गांव के पास श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा सैकड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। कानपुर हादसे पर विश्व हिंदू संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण गौर ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि कानपुर में सड़क हादसा अत्यंत दुखद और हृदय को व्यथित करने वाला हादसा है। मिली जानकारी के अनुसार कोरथा गांव निवासी एक मुंडन संस्कार में फतेहपुर गए थे, वहीं से मुंडन कराकर लौट रहे थे। ट्रैक्टर और सवार ट्राली में सड़क हादसे के बाद ही खाती पानी में भरे जा रहे थे। बता दें कि घटना से भयंकर चीख पुकार मच गई। आधे घंटे तक ट्रॉली बाहर नहीं निकाली जा सकी, जिससे पानी के अंदर ही अधिकतर लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि अभी भी शवों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं घायलों को भितर गांव CHC में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा आसपास में 15 एम्बुलेंस को बुलाया गया है। वहीं DM और DG जोन में भितर गांव के लिए रवाना हो गए हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी पहुँच गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में करीब 50 लोग सवार थे, 24 की मौत हो गई है। मृतक में कई बच्चे महिला भी शामिल हैं। पुलिस प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।